like a Hellcat. तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सांथियान अपने रूम में अकेली बैठी हुई होती है और बहुत सैड होती है, क्योंकि उसका घर कम्प्लीटली बर्न्ड हो चुका था एंड डैमेज भी हो चुका था, जिसकी वजह से उसके रूम में बारिश होने की वजह से पानी टपक रहा था। एंड फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने जो अम्ब्रेला देखा था, सांथियान उसी अम्ब्रेले के नीचे अपने रूम में बैठी हुई थी। देन हम देखते हैं कि वो अपना फैमिली फ़ोटो को देखकर बहुत सैड हो रही होती है। देन उसके हाथ में जो टॉर्च लाइट था, उसकी लाइट जब अम्ब्रेला के ऊपर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एक W लिखा हुआ है, और सांथियान सोचने लग जाती है कि उसको ये अम्ब्रेला किसने दिया होगा। देन यहाँ पे रिवील किया जाता है कि फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में जिसने सांथियान के पास अम्ब्रेला रखा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद वेनबिंग था, क्योंकि जब सांथियान उस दिन सैड होकर एक बेंच के ऊपर बैठी हुई थी तब वेनबिंग उसे देख रहा था और वो चुपचाप एक अम्ब्रेला उसके पास रखकर वहां से चला जाता है। देन सीन्स शिफ्ट होते हैं वेनबिंग की तरफ, जो पूरी रात बैठकर एक स्केच बना रहा था जो कि किसी और का नहीं बल्कि सांथियान का था एज अ बॉय, बिकॉज सांथियान वॉज द ओनली गाय जिसे वो देख सकता था बिल्कुल क्लियरली, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हिज डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो लोगों का फेस पहचान नहीं पाता है। देन स्केच बनाते बनाते नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सांथियान पूरे रात ऐसे ही सैड बैठी हुई थी। देन वो सारी चीज़ों को सडनली रिकनेक्ट करती है एंड वो ये रियलाइज़ करती है कि उसका बैड लक तभी स्टार्ट हुआ जब वो उस दिन वेनबिंग से मिली थी और वेनबिंग का ब्लैक स्वेटर जिसका एक ब्लैक थ्रेड सांथियान के बैग के साथ अटक गया था। एंड देन सांथियान को सडनली याद आता है कि लास्ट डे उसे एक ओल्ड लेडी बता रही थी कि उसकी लाइफ या डेस्टिनी अब एक ब्लैक थ्रेड से कनेक्टेड हो गई है एंड अब उसके साथ जो भी होने वाला था वो बहुत ही मिसफॉर्चुनेट होने वाला था। तो वो जल्दी ही दौड़कर उसी बस स्टैंड के पास चली जाती है जहां लास्ट डे उसने उस ओल्ड लेडी को देखा था, बट बहुत ढूंढने पर भी उसे वो ओल्ड लेडी वहाँ पर नहीं मिलती। बट आफ्टर सम टाइम वो ओल्ड लेडी एक बस से उतरती है और तब सांथियान उस ओल्ड लेडी को बताती है कि मैं तो आपका ही वेट कर रही थी एंड कहती है कि प्लीज़ मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपने इस अनफॉर्चुनेट लक को फिर से गुड लक में बदल सकूं। देन वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम्हें तो इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं था, देन सडनली क्या हो गया तुम्हें। देन सांथियान बताती है कि प्लीज़ मुझ पर मर्सी करो और मेरी हेल्प करो। देन ओल्ड लेडी हेल्प के लिए मान जाती है और वो सांथियान के साथ बैठती है और उसे क्वेश्चन पूछने लगती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो वो ये क्वेश्चन पूछती है कि सांथियान से किसी ने उसकी कोई चीज़ ले ली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तब सांथियान बताती है कि यस, उसकी हॉकी स्टिक एक बार एक्सचेंज हो गई थी फ्यू डेज अगो एक लड़की के साथ। तब वो ओल्ड लेडी बताती है कि ऐसे सिंपल चीज़ जैसे कि हॉकी स्टिक नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट सा। तब सांथियान को सडनली याद आता है कि उसकी फर्स्ट किस मिस्टेकनली वेनबिंग के साथ हो गई थी एंड वेनबिंग ने उसकी फर्स्ट किस ले ली है। तब ओल्ड लेडी उसे बताती है कि इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न योर अनफॉर्चुनेट लक इंटू गुड लक देन तुम्हें उससे वही चीज़ वापस लेनी होगी, यानी कि तुम्हें भी वेनबिंग को फिर से किस करना होगा और उससे उसकी किस लेनी होगी। देन ये सुनकर सांथियान हंसने लगती है और वह इन सारी चीज़ों को अनबिलीव करके वहाँ से उठकर जाने लगती है। और तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या उस लड़के ने एक ब्लैक स्वेटर पहना हुआ था जिसने तुम्हें किस किया था?
देन सांथियान जाते जाते रुक जाती है बिकॉज ये बात तो उस ओल्ड लेडी को नहीं पता होनी चाहिए थी। एंड उस ओल्ड लेडी को ये बात कैसे पता है? तब उसे लगता है कि शायद ये ओल्ड लेडी बिल्कुल करेक्ट है और उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है जब सांथियान चली जाती है तब वो ओल्ड लेडी खुद से ही बात करती है और कहती है कि उसका वो ब्लैक स्वेटर तो मैंने ही सिला है तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। एंड वो बताती है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये भी बोलती है कि वेन पिंग और सांथियान की डेस्टिनी एक दूसरे से कनेक्टेड है सो उन दोनों का मिलना तो बिल्कुल तय है। देन हम देखते हैं वेन पिंग लास्ट डे रात में बैठकर जिस स्केच को बना रहा था उसको बनाते बनाते तो सुबह हो गई थी। एंड देन वेन पिंग का फ्रेंड उसके रूम में आता है एंड वो स्केच को देख लेता है। तब वो वेन पिंग से कहता है कि तुमने एग्जैक्टली इस फेस को कैसे बना लिया, तुम तो किसी का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, इसका मतलब तुम्हारी इमेजिनेटिव स्किल्स काफ़ी अच्छी है। तब वेन पिंग बोलता है कि ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है बल्कि मैं इस फेस को बिल्कुल क्लियरली देख सकता हूँ। देन उसका फ्रेंड बोलता है इसका मतलब तुम्हारा डिसऑर्डर ठीक हो चुका है, क्या तुम अब मुझे देख सकते हो एकदम क्लियरली, बताओ मैं कौन हूँ। एंड देन वेन पिंग इतने सारे क्वेश्चन से परेशान हो जाता है। देन वेन पिंग का फ्रेंड अपने फ़ोन का मैसेज चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि उसका बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया गया है जिसे वेन पिंग ने ही फ्रीज किया था। देन उसका फ्रेंड ये बोलने लगता है कि मैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं करूँगा और मैं इस बारे में किसी को बताऊँगा भी नहीं। एंड देन वेन पिंग वहाँ से चला जाता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम अपना बैग लेकर नहीं जाओगे, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें। तब वेन पिंग ये बोलकर निकल जाता है कि मैं पहले भी नहीं गया था और अब भी नहीं जाऊँगा। देन हमें ऑन दी अदर साइड सांथियान को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने भाई और अपनी एक फ्रेंड के साथ सारी बातों को डिस्कस कर रही थी। जो भी अब तक हुआ था उसका मिसफॉर्च्यून और वो ओल्ड लेडी की सारी बातें। तब उसका भाई उसे बोलता है कि आई थिंक यू शुड किस दैट गाय वेन पिंग। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यू आर हर ब्रदर, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, उसे किसी भी स्ट्रेंजर लड़के को ऐसे अचानक से किस नहीं करना चाहिए, ये तो कितना वियर्ड है। एंड देन सांथियान का भाई बोलता है कि ओके अब जो डिश आई है इसमें से अगर मैं डक इंटेस्टाइन एक बार में ही निकाल लूँ तब हम मान लेंगे कि डेस्टिनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड देन तुम दोनों मान जाओगे कि डेस्टिनी है एंड सांथियान जाकर वेन पिंग को किस करेगी। तो वो दोनों अग्री कर जाते हैं इस बात पर। एंड देन जब सांथियान का भाई इस ट्रिक को ट्राई करता है देन एट द वेरी फर्स्ट गो उसका भाई डक इंटेस्टाइन को निकाल लेता है जिसको देखकर वो सब कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, इवन कि सांथियान का भाई खुद भी। एंड वो तीनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों हॉस्पिटलाइज थे बिकॉज उन लोगों ने जिस शॉप से खाना खाया था वो उन्हें सूट नहीं हुआ। तब उन्हें कम्प्लीटली बिलीव हो जाता है कि डेस्टिनी नाम की भी कोई चीज़ है और उनके ऊपर मिसफॉर्च्यून आ गया है, यानी कि सांथियान का मिसफॉर्च्यून उसके क्लोज लोगों पर भी इफ़ेक्टिव है। देन उसका भाई उसे एडवाइस करता है कि उसे वेन पिंग को किस कर ही लेना चाहिए और उसकी फ्रेंड जो पहले मना कर रही थी इस बार तो वो भी कहती है कि सांथियान को वेन पिंग को किस कर ही लेना चाहिए ताकि उसका ये मिसफॉर्च्यून फिर से पहले की तरह गुड लक में कन्वर्ट हो जाए। बट सांथियान तो अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। देन हमें दिखाया जाता है कि सांथियान अपने यूनिवर्सिटी में आई होती है एंड उसकी एंट्री गिरते पड़ते होती है और सब लोग उसी को देख रहे थे एंड वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील करती है उस सिचुएशन में। देन वो एक लड़के से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि कौन है वेन पिंग, बट वो लड़का कोई भी आंसर नहीं देता। एंड देन एक दूसरा लड़का उसे बोलता है कि
तुम मुझसे पूछो, इस लड़के को कुछ भी नहीं पता है। आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट वेनबिंग। वेनबिंग एक बहुत ही अच्छा एंड एक्सीलेंट आइस हॉकी प्लेयर है। उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उसने तो विदाउट एग्ज़ाम ही इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आइस हॉकी। देन हम देखते हैं कि एक लड़का आइस हॉकी स्टिक से बॉल को बहुत जोर से हिट करता है अनइंटेंशनली, बट वो संध्यान की तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहा होता है एंड वो बॉल कम्प्लीटली संध्यान को हिट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे उस गेम की कोच आकर बहुत ही ब्यूटीफुली संध्यान को बचा लेती है। ये मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक हीरोइक सा मोमेंट। वहाँ पे संध्यान को उनकी कोच बहुत पसंद आती है, उसे वो बहुत कूल लगती है एंड देन उन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। बट संध्यान प्रैक्टिस को अटेंड नहीं करती है, वो साइड में खड़ी रहती है। देन आफ्टर सम टाइम वहाँ पे वेनबिंग की एंट्री होती है। वो बहुत ही स्मार्टली और अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाकर सारे लोगों से मिलने चला जाता है। देन कोच सबके सामने वेनबिंग की बहुत तारीफ करती है एंड देन वेनबिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी यहाँ पे बाकी सबकी तरह ही आइस हॉकी को बहुत ही अच्छे से सीखने आया हूँ। यस, जब वो एंट्री कर रहा होता है, ही कैन नॉट रिकोगनाइज एनीबडीज फेस ड्यू टू अ डिसऑर्डर ही हैज़, तो उसके डिसऑर्डर की वजह से वो किसी को नहीं पहचान सकता था, तो वो कोच की तरफ कैसे गया? वो हर किसी के शोल्डर लेंथ, हाइट एंड ऑल द फिज़िकल फीचर्स को मेजर करते करते जाता है एंड देन कोच के फिज़िकल फीचर्स को देखकर वो समझ जाता है कि दैट इज़ द कोच। धीरे धीरे सबके साथ अपना इंट्रोडक्शन करने लगता है और जब वो एक लड़का जिसका नाम लैन होता है उसके साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए अपना हैंड आगे बढ़ाता है तो वो लड़का अपना हैंड आगे नहीं बढ़ाता एंड वो कहता है कि आई नो यू आर वेनबिंग बट आई डोंट बिलीव बाकी लोग जो भी कह रहे हैं। एवरीबडी सेज कि तुम बहुत ही बेस्ट प्लेयर हो एंड तुम्हारी टक्कर का कोई भी नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ खुद कम्पीट करके ये चीज़ देखना चाहता हूँ। तो वेनबिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए साइड में चला आता है जहाँ पे संध्यान भी खड़ी थी। तब वो संध्यान से कहता है कि वी आर मीटिंग अगेन। तब संध्यान उसे बोलती है कि उस लड़के ने तुम्हें चैलेंज किया बट तुम एक कावर्ड हो कि तुमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम यहाँ आकर चुपचाप बैठे हुए हो। देन वेनबिंग भी उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम भी कौन से बेटर हो, तुम भी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे, यहाँ साइड में आके चुपचाप खड़े हो। देन संध्यान बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करने के मामले में। वो बोलती है कि तुम तो फेशियल एक्सप्रेशंस को एकदम चुटकियों में चेंज कर लेते हो, ऐसे तो तुम बहुत रूड हो, बट जब तुम बाकी सबके सामने जा रहे थे यू ब्रॉट अ फेक स्माइल ऑन योर फेस और बहुत ही हैप्पीली तुम सबके सामने गए और उनसे बात की। तब वेनबिंग उसकी तरफ घूमता है और कहता है कि आर यू फॉलिंग फॉर मी, क्या तुम्हें मैं पसंद आने लग गया हो? तब संध्यान बोलती है तुम जिस तरह बाकी सबके साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, क्या तुम मेरे साथ भी इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते? तुम मेरे सामने तो रूडली क्यों बिहेव करते हो हमेशा? तब उसे वेनबिंग बोलता है कि हमेशा फेक करना ईजी नहीं होता, समटाइम्स वी इवन नीड रेस्ट। एंड वेनबिंग के एक्सप्रेशंस वर ऑसम। इस पूरे ड्रामा में वेनबिंग ने इतने अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस को दिखाया है कि यू ऑल आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट द वे ही चेंजेस हिज एक्सप्रेशंस, कभी बहुत हैप्पी तो कभी सैड टू कम्प्लीटली मीन पर्सन, वो अपने एक्सप्रेशंस को एकदम चुटकियों में चेंज कर सकता है। देन वेनबिंग संध्यान को देखता रहता है और ये सोचता है कि हाउ कैन ही सी हिज फेस, मतलब वो उसके ही फेस को कैसे क्लियरली देख सकता है, बाकी सबके फेस को तो वो नहीं देख सकता क्लियरली। एंड संध्यान जब वेनबिंग को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तब वो सोचती है ये कितना बदतमीज़ आदमी है, कहीं ये कोई पर्वर्ट तो नहीं। देन मन ही मन में संध्यान ये सोचती है कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अब मैं वेनबिंग से उसका किस ले सकती हूँ सो दैट मेरा अनफॉर्चुनेट लक फिर से पहले की तरह फॉर्चुनेट लक में बदल जाए और मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बट जब ही वो बहुत ही
गट्स के साथ वेनपिंग को किस करने के लिए टर्न करती है, तभी वेनपिंग खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत ही फनी सीन होता है, क्योंकि जब सांथियान वेनपिंग को किस करने जाती है और उसकी क्लोज आती है, तभी वेनपिंग सडनली उठ जाता है, जिसकी वजह से सांथियान का हेड वेनपिंग के बॉडी से टकरा जाता है। एंड इट्स रियली फनी। और वेनपिंग खड़ा होकर बोलता है लैन से कि वो उसके साथ कम्पीट करने के लिए रेडी है, बट लैन सारे अच्छे अच्छे मेंबर्स को अपने टीम में ले लेता है। और वेनपिंग जब चूज़ करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सांथियान का नाम लेता है एंड उसे उसका कोट पकड़कर पुल करके खड़ा करता है एंड बोलता है कि सांथियान ही है जो मेरे टीम में होगा, बिकॉज फ्रॉम हिज इनसाइड ही नोज कि सांथियान ही है वो जिसको वो क्लियरली देख सकता है एंड दूसरे प्लेयर्स को क्लियरली नहीं देख सकता, सो इसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। देन एक बहुत ही अच्छा मैच स्टार्ट हो जाता है। सब लोग वेनपिंग के टैलेंट को देखकर बहुत अमेज्ड होते हैं एंड वाइल प्लेइंग सांथियान भी बहुत ही ब्यूटीफुली खेलती है एंड एट द एंड वेनपिंग गोल कर देता है एंड वो लोग जीत जाते हैं, जिसकी वजह से सांथियान बहुत प्राउड फील करती है ऑन वेनपिंग एंड ऑन हरसेल्फ। कोच भी बहुत प्राउड हो रही होती है बिकॉज शी न्यू दैट वेनपिंग इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर एंड वो आज इस चीज़ को देख भी चुकी थी। देन आफ्टर मैच लैन आकर वेनपिंग को बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ एक्चुअली कम्पीट करने के लिए ही ऐसा बोला था, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू दैट तुम एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हो और मैं तुम्हें बुरा बोलकर तुम जैसे टैलेंटेड प्लेयर के साथ एक बार खेलना चाहता था। देन वो वेनपिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है एंड वो कहता है कि कैन वी बी फ्रेंड्स। देन वेनपिंग वहाँ से चला जाता है और लैन सांथियान से भी बहुत अच्छे से बात करता है। उसके बाद सांथियान ड्रेसिंग रूम में आती है और वो अब ये सोचती है कि ये सबसे परफेक्ट मोमेंट है टू किस वेनपिंग। तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते ही वेनपिंग से कहने लगती है कि एज हम दोनों ने मैच साथ में खेला इतनी खूबसूरती से, सो वी कैन बी फ्रेंड्स नाउ, सो लेट्स हग। और वो वेनपिंग को हग करने के लिए बहुत क्लोज चली जाती है विद मेकिंग अ फेस टू किस वेनपिंग। बट तभी वेनपिंग, जब सांथियान उसके एकदम क्लोज आ जाती है उसे किस और हग करने के लिए, तब वेनपिंग सांथियान के फेस पर अपना हेलमेट लगाकर चला जाता है। ये एक बहुत ही फनी मोमेंट होता है। देन वेनपिंग के जाने के बाद सांथियान उस हेलमेट को अपने सर से निकालती है एंड देखती है कि उस पर डब्ल्यू लेटर लिखा हुआ है, जो उसको उस अम्ब्रेला पर भी दिखा था, उस अम्ब्रेला पर भी बना हुआ था जो कोई सांथियान के लिए उस दिन छोड़कर गया था जब सांथियान बहुत सैड थी। तो वो सोचने लगती है कि क्या उसे वो अम्ब्रेला वेनपिंग ने दिया था उस दिन। बट देन वो उन बैड मोमेंट्स को याद करती है जब वेनपिंग की वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस गई थी। तब वो सोचती है कि नहीं, आई एम थिंकिंग रॉन्ग, वेनपिंग इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। देन हमें वेनपिंग को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर वेनपिंग और सांथियान ब्लैक थ्रेड से कनेक्टेड हो गए थे। तो वेनपिंग जब स्नोमैन को क्रॉस करता है, वो स्नोमैन का फेस फिर से स्माइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे उसने पहले एक सैड फेस में बना दिया था। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सांथियान उसी के पीछे पीछे आ रही होती है अननोइंगली। वो किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आ रही थी अननोइंगली एंड वो फुटस्टेप्स किसी और के नहीं बल्कि वेनपिंग के ही थे एंड सांथियान इंजॉय करते करते आ रही थी। देन हमें नेक्स्ट डे सुबह दिखाया जाता है सांथियान अपने घर में सो रही है एंड सडनली उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर का लैंडलॉर्ड आया हुआ है और वो उस पर बहुत चिल्लाता है बिकॉज उसी की वजह से लैंडलॉर्ड का घर पूरी तरह से डैमेज्ड हो चुका था उस दिन आग लगने की वजह से। तो सांथियान बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस तो देती है लेकिन लैंडलॉर्ड कुछ भी नहीं सुनता, उसे बहुत बुरा भला सुनाकर उसे उस घर से निकाल देता है। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं सांथियान अपने फ्रेंड्स से मिलती है, यानी कि
उसकी फ्रेंड और उसका भाई, ये दोनों आकर संध्यान से बातें करते हैं कि अब वो कहाँ रहने वाली है। बिकॉज अब संध्यान के लैंडलॉर्ड ने तो उसे घर से निकाल दिया था, तो वो ऐसे ही बैठी हुई थी अपना बैग्स लेकर। देन सडनली संध्यान को एक पैम्फलेट मिलता है, या फिर बोल सकते हैं एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि उसे फिर से अपने उसी कॉलेज में यानी कि ल्यूई में एडमिशन मिल गया है, जिसमें वो हमेशा से पढ़ना चाहती थी। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और हैप्पी हो जाती है, ये सोचकर कि वो फिर से अपने मॉम के पढ़े हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगी, एंड बहुत हैप्पी फील करती है। उसे लगता है कि उसका बैड लक फिर से गुड लक में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल पहले की तरह। देन संध्यान का भाई सडनली उसे बताता है कि उसने इस लीफलेट को या लेटर को पढ़ा है, एंड इसमें लिखा हुआ है कि संध्यान को बॉयज़ हॉकी टीम में खेलने का चांस मिला है, यानी कि बॉयज़ आइस हॉकी टीम को ज्वाइन करने का चांस मिला है। तो उसे तो अब मेल डॉर्म में रहना पड़ेगा, यानी कि लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। तो संध्यान शॉक्ड हो जाती है और वो खुद भी चेक करती है, फिर वो देखती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि उसे मेल डॉर्म में लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। देन उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या वो रह पाएगी लड़कों के बीच। देन वो कहती है कि हाँ वो उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, बिकॉज़ वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। एंड देन उसका भाई उसके हेयर कट करने की बात करता है, बिकॉज़ अब तो उसे मेल टाउन में रहना था तो उसे एक लड़का बनकर रहना होगा। देन संध्यान नेक्स्ट डे ल्यूई में चली जाती है और सीनियर्स लोगों से कुछ बातें करती है इम्पोर्टेंट। तभी वहाँ पे वेनबिंग भी आ जाता है और वो संध्यान को देखता है। वो संध्यान के इन्फॉर्मेशंस को देखने लगता है उसके लीफलेट में से। देन संध्यान उसे पर्वर्ट बोलती है या बदतमीज इंसान बोलती है। देन हम देखते हैं कि मेंगना वहाँ पे कॉलेज में आती है एंड वो एक सीनियर से चिल्लाकर बात कर रही होती है, यानी कि वो सीनियर मेंगना का बड़ा भाई था। वो अपने बड़े भाई से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेंगना का एडमिशन इस छोटे से कॉलेज में क्यों करवा दिया। वेनबिंग मेंगना को देखकर उल्टे पैर वहीं से भागने लगता है, लेकिन संध्यान उसका मज़ा उठाने के लिए उसे मेंगना के सामने पुश कर देती है। एंड मेंगना जब वेनबिंग को देखती है वो अपना एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज कर लेती है, एंड वो अपने भाई से बहुत अच्छे से बात करती है और उसे थैंक यू बोलती है कि उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिला, बिकॉज वो बहुत हैप्पी है कि अब वो वेनबिंग के पास रह पाएगी। और वहीं पे संध्यान पीछे खड़े होकर इन सारे सीन्स को देखती है और वेनबिंग पर हंसती है और मज़ा लेती है। देन मेंगना के जाने के बाद मेंगना का बड़ा भाई वेनबिंग को कहता है कि वो मेंगना से बिल्कुल दूर रहे, और मन ही मन वेनबिंग भी ये सोचता है कि किसे इंटरेस्ट है उसकी बहन के पास जाने में। एंड संध्यान तो पीछे खड़े होकर हंसी ही जा रही थी। तो सीनियर उसे देख लेते हैं तो उसे और वेनबिंग दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों जाकर सारे लोगों के इक्विपमेंट्स को लेकर आओ एंड सब टूल्स भी। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं एंड देन संध्यान वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स को देखने लगती है, लेकिन उसकी आइस तो एक ही जगह पर फिक्स्ड हो गई थी जब वो आइस स्केटिंग शूज़ को देखती है, क्योंकि वो एक्चुअली आइस स्केटिंग वाला डांस करना चाहती थी जो वो अपने मॉम के साथ बचपन में किया करती थी। तो वो उन शूज़ को देखकर बहुत इमोशनल फील करती है और वो अपने बचपन के टाइम को याद करती है जब वो अपनी मॉम के साथ ये सीखती थी। उसकी मॉम उसके साथ बहुत सुंदर तरीके से इस आइस डांस को परफॉर्म करती थी, तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। देन हम देखते हैं संध्यान फिर से लड़की बनकर अपनी मॉम की यादों को फिर से जीने के लिए उन शूज़ को पहनकर वहाँ आइस में डांस करने के लिए चली जाती है। वो अपने ही धुन में डांस कर रही होती है। देन वहाँ पर वेनबिंग भी आ जाता है, वो उसे देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता, बट उसे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटीफुली डांस कर रही होती है, बट वो ये नहीं पहचान पाता कि वही संध्यान है। और यहीं पे एपिसोड 1
एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर पार्ट 3 स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।